ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫିଜିକାଲ ଏକାଡେମୀ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତ ହେଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ସହର ଭିତରେ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତାଲିମ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତାଲିମ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ନିଜର ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦିନ ହେବ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଏଠାକୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗଲାଦେଶ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଲିଉଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏଠାକୁ ଓଜନ କମାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଜଣେ କନ୍ନଡ ସିନେମା ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା। ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ବ୍ୟାୟାମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫିଜିକାଲ ଏକାଡେମୀର ମୁଖ୍ୟ ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାରିକ ବ୍ୟାୟାମ ତାଲିମ ଦେଖି ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଶ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଆସିବା ନେଇ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମେରା ନାମ ହାବଲଦାର ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାରିକ ହେ ମୈଁ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ସେ ରିଟାୟର୍ଡ ହୁଁ ଔର ମୈଁ ଓଡ଼ିଶାକେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର କା ହୁଁ ଔର ମୈଁ ୟହାଁ ରିଟାୟର୍ଡ ହୋକେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ସେ ଡିଫେନ୍ସ ଔର ୱେଟ୍ ଲସ୍ ୟୋଗା ଔର ଏଥଲେଟିକ୍ କା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲ ରଖା ହୁଁ। ସାର୍ सर बाहर ये हमारा ज़्यादातर 80-90% लोग जो कि यूट्यूब के माध्यम से आए सभी आउट ऑफ स्टेट से हैं और आउट ऑफ कंट्री से भी एक लड़की आई थी आपने देखा होगा विदेश से इंटरनेशनल खिलाड़ी थी जो और बाकी सब ज़्यादातर हमारा बाहर से है सर। और कितना है अभी सर? मैम अभी 380 के आसपास जो है बाहर से ही है और यहाँ हमारा हॉस्टल में रह रहे हैं अभी क्योंकि आप देख रहे हैं अभी अग्नि यहाँ पूरा 100% रिजल्ट आ रहा है। अभी जो सर लोग हैं ये वीडियो के माध्यम से आए हैं क्योंकि ये सब पढ़े लिखे लोग हैं सब वीडियो देख के पकड़ लेते हैं कौन सा जगह अच्छा है कौन सा जगह बुरा है क्योंकि ऐसे तो वैसे बहुत चैनल्स है ऑल इंडिया में यूट्यूब में बहुत एकेडमी है लेकिन हमारा एकेडमी एक गर्व होना चाहिए हमारे को इतने बाहर से लोग आ रहे हैं ब्रह्मपुर शहर में और हमारा ओडिशा के लिए भी गर्व होना चाहिए। मैम यहाँ जो भी आते हैं यहाँ तो पहली बात तो एक मैं इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हूँ यहाँ उन बच्चों के लिए ही मैं रिटायर्ड होकर आया हूँ जो कि पढ़े लिखे होने के बाद भी देश सेवा करना चाहते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे होते तो उनका फिजिक जितना है उतना अच्छा नहीं रहता है और उनको वर्कआउट के बारे में पता नहीं रहता है जो कि 4 सीजन हमारा होता है आपको 1600 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर आर्मी देता है जो टाइम उसको कैसे निभाना है कैसे पार करना है 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर वो तरीका उनको पता नहीं है सीजन के हिसाब से वो लोग क्या है वर्कआउट नहीं कर पाते हैं और बीम 10 कैसे लगाना है इम्प्रूवमेंट कैसे होगा अपने बॉडी का डाइटिंग कैसे करना है ये सब कुछ पता नहीं रहता। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा इंडियन आर्मी में भी मैं 13 ईयर्स जो है इंस्ट्रक्टर रहा इंडियन आर्मी में ये सब मेरा एक्सपीरियंस था तो मैंने सोचा कि पढ़े लिखे लोग जो बच्चे जो सोच रहे हैं कि देश सेवा करें तो उनको जाके सिखाएं और जो वेट लॉस वाले जो है कि बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं डाइटिंग में इधर उधर जाके पैसा खर्चा कर रहे हैं प्रोडक्ट खा के तो हमारे यहाँ कमांडो ट्रेनिंग चल रहा है क्योंकि मैं भी उसी संस्था से आया हूँ बहुत आसान है यहाँ कुछ भी खाओ कुछ भी करो यहाँ हमारा एक ही मोटो है खाओ दबा के रगड़ा लो दबा के तो आपका बॉडी जो है फिट हो जाएगा। हम सोचते हैं कि पूरा देश यहाँ आके एक बार जो मोटे पे है वो घटा के यहाँ से जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है सबका आपको निश्चिंत हो के यहाँ आना है आपको जैसा चाहिए सुविधा वैसा मिलेगा एसी रूम चाहिए तो एसी का रूम भी मिलेगा नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल है 4500 रुपये में 3 टाइम खाना और रहने का है और नॉर्मल से नॉर्मल खाना है आपको मिलेगा। ବଲିଉଡର ଅଭିନେତା ବିପୁଲ କେ ତଥା ଖଳନାୟକ ରାମ ଦୋଗାଡ଼ି ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶୀ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ସାଜାଦା ଅଖତାର ମେଘଲା ଓଜନ କମାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଏକାଡେମୀକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ଏକାଡେମୀରେ ମୁଖ୍ୟ ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାରିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ବ୍ୟାୟାମ ଫଟୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ବହୁ ଦର୍ଶକ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସଫଳତାର ପାହାଚ ବି ଚଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ସେନାରୁ ଅବସର ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ତାଲିମ ଦେଉଛନ୍ତି। ମେରା ନାମ ରାମ ହେ ମୈଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସେ ହୁଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କି ବାଙ୍ଗାଲୋର ସେ ହୁଁ ତୋ ମୈଁ ଆକ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ମେକର ବ୍ଲଗର ସିଙ୍ଗର ହୁଁ अभी तक कनाडा में 25 फिल्म्स और कनाडा में 25 TV शोज भी कर चुका हूँ। अभी मेरा अगला फिल्म रिलीज़ है July 28 को 3D में इंडिया की नेक्स्ट सबसे बड़ा फिल्म विक्रांत रोड़ा मेरे बॉस और मेरे गॉडफादर किच्चा सुदीपा उनके लीडरशिप में हुआ ये फिल्म वही हीरो है इनकी फिल्म इस फिल्म की और इस फिल्म में मैं एक विलन का रोल निभा रहा हूँ
और उस इस फिल्म के लिए मैं थोड़ा वेट बढ़ाया था डायरेक्टर के हिसाब से, तो वापस फिट बनना था। बीच में कोविड आ गया, इस सब चैलेंजेस के बाद एक ऐसे जगह ढूंढ रहा था जिसमें मैं एक स्टूडेंट बन के रहूँ, बिकॉज मैं बैंगलोर में रहूँगा तो सिर्फ सब मुझे देखेंगे एक्टर की तरह। तो इधर मैं आया एक स्टूडेंट की तरह रहने के लिए और वैसे कमांडो ट्रेनिंग करने के लिए जैसे फौजी करते हैं। तो बहुत ही मुश्किल है, मगर बारिक सर और भास्कर सर दोनों बहुत सपोर्ट दे रहे हैं और मुझे 6 दिन में ही बहुत सारे फिट बना दिया है। मगर ऐसे थकावट है कि जोश भी है थकावट भी है। अभी कितना वेट है? मेरा वेट जब इधर आया मेरा वेट था 124.5 किलोस, अभी 6 दिन में 3-4 किलो कम हो गया है। और कितना कमाना चाहता है? वेट कम होने से नाथिन मुझे स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस चाहिए। जब मैं उस प्रक्रिया में रहूँगा तो ऑटोमेटिकली वेट घट जाएगा। मेरा आइडियल टारगेट है 95 किलोज़ बनना, क्योंकि मेरा अगली फिल्म के लिए वो चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री आने का कितना साल हो गया? मेरा फिल्म इंडस्ट्री में आके मैं जब 17 ईयर्स था तब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया। अभी मैं 35 हूँ, अभी अक्टूबर 9 को 36 हो जाऊँगा। तो 36 ईयर बर्थडे के पहले मैं बहुत फिट बनना चाहता हूँ कि आगे 36 ईयर्स मैं अच्छा शेप में एक्टिंग कर सकूँ। आपको गंजम का खाना कैसा लगा? भाई इधर की बहरामपुर के और गंजम के खाना, लोग और खाना दोनों इतने बढ़िया है। स्पेशली भूपति करके एक होटल है, मुझे बहुत ही पसंद आया उनके खाना। मगर प्रॉब्लम है कि ज़्यादा भी नहीं खा सकता हूँ, वीक में एक बार ट्राई कर रहा हूँ इधर की लोकल कुजींस, मगर हर दिन तो नहीं खा सकता हूँ। मगर सर बोलते हैं रगड़ के खाओ रगड़ के काम करो, मगर थोड़ा डाइट कीप करना पड़ेगा ना ज़्यादा रिजल्ट आने के लिए, या फिर बहुत लंबाई चल जाएगा और मुझे टाइम नहीं है। तो जल्दी करना है और ज़्यादा काम करना है। मैं उसके बारे में सोच कर नहीं आया, मैं इधर की एनर्जी के लिए आया। अभी आप देख सकते हो कितना एनर्जी है इस जगह में। इस जगह में कोई नॉर्मली नहीं रह सकता। अगर आप ऐसे आओगे तो इन सब लोगों को देख के ऐसे बन जाओगे। तो उस एनर्जी और बारिक सर और भास्कर सर जो एनर्जी देते हैं ना इस जगह को, मुझे तो ओडिशा के बारे में पता ही नहीं था। और ब्रह्मपुर जगन्नाथ साहू का रिपोर्ट, सफल खबर।